आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस क्वेश्चन में अपन को कहा है कि अपने पास एक ये पूरी एक शीट है स्क्वायर, जिसका साइड जो है वो कुछ है स्क्वायरिंग स्क्वायर शीट है, जिसमें से अपन ने चार ये सर्कल्स निकाल दिए। तो ये पूछ रहे हैं कि जो बचा हुआ रिमेनिंग पोर्शन है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो सबसे पहले जो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सीट का, वो अपन आई वन मान लेते हैं। वो कितना होता है जेड एक्सिस के अबाउट, वो होता है एम आर, मतलब अगर इसका रेडियस आर है तो ये पूरा जो साइड हो जाएगी, ये पूरी साइड की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये पूरी साइड की जो डिस्टेंस है वो हो जाएगी आर 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 फोर आर, तो हो जाएगी एम फोर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सिक्स। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इस पूरी शीट का। अब इसमें से अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये जो सर्किल्स हैं इसका माइनस करना है, तो इसको अपन ने आई सी बोल दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सर्किल अबाउट जेड एक्सिस उसको। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास, ये हो जाएगा एम वन, तो मास है किसी एक सर्किल का एम आर, रेडियस है इसका एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना होता है इसका एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस एम इंटू डिस्टेंस, कौन सा मतलब डिस्टेंस अपन इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है x, ठीक है, इंटू एम वन एक्स स्क्वायर, और ये टोटल चार है तो अपन इसको चार से इंटू कर देंगे। तो अपना जो रिक्वायर्ड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा वो हो जाएगा आई वन माइनस आई सी जेड, ठीक है। अब अपने पास जो मास डेंसिटी है इसकी वो निकालते थे पहले, तो मास डेंसिटी अपने पास हो जाएगी टोटल मास एम अपॉन टोटल एरिया कितना होगा फोर आर स्क्वायर, तो हो जाएगा एम बाय सिक्सटीन आर स्क्वायर, ओके। अब ये मास डेंसिटी होगी उसकी, तो एम वन कितना हो जाएगा, जो एम वन जो है जो कि एम वन वो है मास ऑफ बॉल, एम वन जो है वो मास ऑफ वन डिस्क, एक डिस्क का मास है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना एम अपॉन सिक्सटीन आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू पाई एम बाय सिक्सटीन, ये उसका मास हो गया, ओके। तो अपने पास और जो x हो गया, x अपन निकालेंगे तो x अपना हो जाएगा r रूट टू, क्योंकि क्यों हो जाएगा r रूट टू, बिकॉज ये भी तेरा ये डिस्टेंस जो है वो भी r है और ये डिस्टेंस भी r है, तो पाइथागोरस से अपना ये आ जाएगा भाई, पाइथागोरस थ्योरम से अपना ये आ गया, ठीक है। अब इन्होंने अब अपन को निकालना है आई सी जेड इजेस से, तो एम वन तेरा एम वन जो है वो कितना है, एम वन कितना है अपने पास, एम वन कितना है पाई एम डिवाइड बाय सिक्सटीन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस एम वन इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स कितना है आर रूट टू का होल स्क्वायर, ओके, इंटू फोर, ओके। सो अब अपन इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये अपने आप आ जाएगा टेन पाई बाय सिक्सटीन एम आर स्क्वायर, ओके। तो अब अपने पास रिक्वायर्ड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रिमेनिंग पार्ट का वो अपना कितना हो जाएगा, वो अपना हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू आई वन, आई वन कितना है फोर फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन बाय सिक्स एम आर स्क्वायर, सिक्सटीन बाय सिक्स एम आर स्क्वायर, सिक्सटीन बाय सिक्स एम आर स्क्वायर माइनस टेन डिवाइड बाय सिक्सटीन
पाई एम आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन एम आर स्क्वायर तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब 16 बाय 6 माइनस 10 बाय 16 पाई, ये अपना आंसर होना चाहिए। अब एक बार ऑप्शन देख लेते हैं या फिर अपन फर्दर सॉल्व करेंगे इसको। ये हो गया 3, ये हो गया 8, ठीक है, और ये हो गया 5, ये हो गया 8। अपने पास जो फाइनल आंसर हो गया वो एम आर स्क्वायर 8 बाई 3 माइनस 5 बाई 8 पाई आंसर हो गया। तो इसमें से अपना ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन अपना सी मैच कर रहा है, तो अपना ऑप्शन सी इसका आंसर हो गया। क्लास 6 से 12 से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।